हाँ करता पुरख विदाता जिने आपे आप उपाय बचाता आपे सतगुर आपे सेवक आपे श्रेष्ठ उपाय। गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी है, आप उस परमात्मा की महिमा गाउंदे तो जिहड़ी है चलदी फिरदी दुनिया सानू नजर आ रही है, जो भी वनस्पति जो भी पशु पंछी सब कुछ ये रचना उस परमात्मा ने खुद रची है। और कोई ओहदा भाई नहीं, बंधु नहीं, कोई शरीक नहीं, और कोई उसने सलाह देने वाला नहीं हुंदा गा। वो खुद मुख्तियार है, कुल मालक है, सब जिया का वो दाता है, सब का बादशाह है। कहन लगे कि आप ही वो करता है, सब जीवां का बधाता है, हर एक दे कर्मा मुताबक इस किस्म का असूल ड्यूटी लाई हुई है कि किसने जीवां का हिसाब रखना है, कद मौत आनी है, कद पैदाइश आनी होनी है, हर एक चीज का जो अरेंजमेंट है वो दा परमात्मा का सही है, जिन्हों कोई तब्दील नहीं कर सकता गा। इस वास्ते आप कहिंदे वो परमात्मा ही सब का करता है, वही सब नू पैदा करता है, और आप ही अपनी खोज उसने आरंभी है। आप ही संसार दे विच किसी महात्मा दे अंदर बैठ के अपनी तलाश करता है, और आप ही सेवक बनता है, और आप ही उस रस्ते ते पौन वाला बनता है। कहन दा भाव यही है कि उस परमात्मा ने अपनी पहचान देने वास्ते रिखी मुनि संत सतगुरु इस संसार दे विच भेजे, उन्होंने सानू आके जानकारी दिती, और अपने जैसे उपरांत विच पैदा होए उसे तरह की बोली के अंदर उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ या अपना जो रिकॉर्ड सी जिंदगी का उन्होंने तजर्बा सीगा वो उन्होंने सब कुछ दर्ज कर दिता कि किस तरह वो परमात्मा नूं असीं मिल सकते हाँ, और की रुकावटां साडे पेश आउंदियां हन, की रुकावटां हन, उन्हां नूं किवें दूर किया जाता है। अगर वो महात्मा दीआं लेखनियां आपां ना पढ़िए ना सुनिए आपां नूं की पता लगता है, कोई महात्मा नवी गल नहीं दस के जांदा गा। सारे उहदी मस्ती दे विच आके उस परमात्मा दे गीत गाउंदे है और गुण गाउंदे है, और साडे दिलां दे अंदर भी उहनां दी इही कोशिश हुंदी है कि किवें ना किवें इह वी परमात्मा दी भगती दे विच लगण, और अपनी खोज दे विच इह आपदे जीवन काल विच ही कामयाब होण। महात्मा ना तो किसी की कौम बदलाउंदे है, ना मजहब बदलाउंदे हन, और ना किसी की वो नुक्ताचीनी करते है, निंदा करते है। महात्मा के दिल अंदर हर एक समाज का कौम का प्यार हुंदा है, सारे संसार नूं वो अपना घर समझते है, सब नाल दिलों जनों प्यार करते है। इस वास्ते आप कहने लगे कि आप ही वह सारयां दे विच है। फर्क इन्ना हुंदा है कि संता महात्मा ने उसनूं मेहनत करके और अपने आप नूं पवित्र बना के जिन्ना कि परमात्मा पवित्र सीगा उस नाल मिला लिया, उत्थे उह प्रगट हो जांदा है। सेवक
हालांकि कोशिश दे विच लग्या है, ए नहीं कि सेवक दे अंदर कोई होर परमात्मा है और उस महात्मा दे अंदर कोई होर परमात्मा है। वो परमात्मा एक है और वो साडे सब दे अंदर है। बाहरों ना अज तक किसी नूं मिलिया ना मिली सकता है, जिन्हों भी मिलता है वो अंदरों ही मिलता है। कबीर से प्यार ना कहिंदे है, जिस तरह तिलां दे अंदर तेल है, पत्थर दे अंदर अग्नि है, इसे तरह प्यारिया ओ परमात्मा तेरे अंदर है। अगर तू उन्हूं जगा सकदा है, खोज सकदा है, मिल सकदा है, तो बड़ी खुशी ना, वो तेरी जायदाद है और तेरे मिलने का वह हमेशा ही चाहवान रहिंदा है। और वो मालक महात्मा नूं इस तरह संसार दे विच भेजदा है कि जाओ तुसी मेरा संदेश दिओ ताकि जितनी भी कायनात है वो गुमराह ना होवे, मेरी भगती विच लगन। जिस तरह कंपनी वाले लोग अपने एजेंट नूं भेज दिंदे है, वो जाके कंपनी दे माल दी मशहूरी करदा है, उहदी मजबूती दसदा है और उहदे फायदे दसदा है कि इस दे लई इह फायदे है। इसे तरह मालक दे प्यारे इस संसार दे विच आके नाम दे फायदे दसदे है कि नाम क्यों जपना है, परमात्मा दी भगती कादे वास्ते करनी है, अगर असीं भगती करदे हैं तां उसदा की फायदा है। इस वास्ते वह भी परमात्मा का भेजे हुए परमात्मा का कम करते हैं। अगर वह आके सानू ना दस दे, सानू पता ही ना लगता कि कोई परमात्मा भी है, किसी के आधार के उत्ते असीं चल भी रहे हैं। इस वास्ते गुरु नानक साहब कहिंदे है कि भाई वह आप ही करता है, सारी दुनिया नूं पैदा करता है, आप ही वह बधाता है, कुल मालक है और आप ही सृष्टि नूं पैदा करता है, चलाउंदा भी आप ही है। ये पैदा करके बेफिक्र नेगा, आप ही वह महात्मा बन के संसार विच आउंदा है, आप ही अगे सेवक बन के उहदी खोज करता है। सो इस वास्ते गुरु नानक साहब सानू बड़े प्यार नाल दसदे है कि असीं इंसानी जामे विच ही उस दी खोज कर सकते हैं, बाकी पशु पंछी जितने भी है उन्हां नूं इह मौका नहीं। उन्हां दे विच परमात्मा ने इस किस्म दी बुद्धि नहीं रखी होगी, ये इंसान नूं ही फकर है। आप कहिंदे है कि असीं परमात्मा नूं मिल सकते हैं, लख 84 जोन सवाई मानस को प्रभ दी वडियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएंदा। 84 जिया जून भुगतन तो बाद सानू इंसानी जामा मिलदा है और इंसानी जामे दी की वडियाई है कि जेड़ा काम असीं होरां जामे च नहीं कर सकते सीगे, दुनिया च नहीं कर सकते सीगे, ओ परमात्मा दी भगती असीं इस दे विच आके कर सकते हैं जी। आपे सतगुर आपे सेवक आपे सिष्ट उपाई है, आपे नेड़े नाही दूरे, बुझे गुरुमुख से जन की संगत एनसला गुर संगत ये बढ़ाई है। आप कहन लगे आप ही नेड़े है आप ही दूर है, जिदे तो मेहरबान हुंदा है उसनू दस पा दिंदा है, समझा दिंदा है कि भी मैं तेरे नेड़े तो नेड़े तेरे शरीर विच ही हैं। अगर वह मेहर ना करे, वो दया ना करे, साडा ये फैसला ना करे कि मैं हुण इस नूं आपदे नाल मिलाउणा है, तो फिर सानू बाहर मुखी कर्मकांड विच ला दिंदा है और असीं इस चीज नूं मन्नण वास्ते तैयार नहीं हुंदे कि वह परमात्मा साडे अंदर है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे है कि ऐसे महात्मा दी संगत सोभ दे विच जाणा लाहा ही लाहा है। असि कुछ खट ही रहे हुंदे आ, गवा नहीं रहे हुंदे गे। आप कहन लगे किसी भी वक्त महात्मा दी सोबत दे विच जाइए तां उहदा फायदा ही फायदा है, क्योंकि साडा मन लज्जत दा सोबत दा बड़ा ही असर कबूल करदा है। अगर असि चंगे आदमियां दी सोबत करदे हैं
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀਰੇ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਬਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਜੂਏ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਜਨ ਦੀ ਵਾੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 100 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, 1000 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਖਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅੰਨ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਆਖਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ ਦੀਓ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ, ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਭਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਗੇ ਜੀ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਐਹਨ ਸਲਾਹਾ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵਡਾਈ, ਯੁਗ ਯੁਗ ਸੰਤ ਪਲੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਸਨ ਰਸੇਰੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਆਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੇਜੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਰੀ ਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਯੁਗ ਯੁਗ ਸੰਤ ਪਲੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਸਨ ਰਸੇਰੇ, ਉਸ ਤਤ ਕਰੈ ਪਰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾਲਦ, ਜਿਨ ਨਾਹੀ ਚਿੰਤ ਪਰਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ ਕਿ ਇਹ ਐਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੋਛਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਹਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁਕੀਏ, ਸਭ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੀਏ,
क्योंकि महात्मा की नजर आत्मा उपर हुंदी है, वरियाई तो साडे मन दे विच हुंदी है। जिहड़ी आत्मा है वह परमात्मा की अंश है, अगर असि परमात्मा दे अगे ना झुकांगे होर किहदे अगे झुकांगे। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे आ कि वह हमेशा ही दुनिया नूं आके वह परमात्मा दे नाम का उपदेश दिंदे है। सतत कर पर हर दुख दालद जिन नाही चिंत पराई हुई जागत रहना सूते दी सह संगत कुल तारी साचे परिस है। उना प्यार दे नाल दसदे है ओ साडे दुनियादारां दी तरह नहीं के दिन छिदे ना पै गए बड़े सारे दिन चढ़िया ओ उठे कहण लगे नहीं जेड़ी नींद है ये इस तरह नहीं बनाएगी। आप कहण लगे इस नूं तुसी घटा भी सकदे हो वधा भी सकदे हो, ओ शरीर नूं ओनी क नींद दिंदे है जिनी के सेहत वास्ते बड़ी जरूरी हुंदी है। फिर भी साडी जिहड़ी आत्मा है ओ दुनियादारां दी साडी थल्ले सुखनियां दे विच आ जांदी है, थल्ले गिर जांदी है, हिरदे च आ जांदी है। लेकिन जिहड़े मालक दे नाल जुड़ जांदे है उहनां दी उपरले मंडलां दे विच आत्मा जांदी है। इस वास्ते ओ सुते हुए भी जागदे हन। अज साडी की हालत है, असीं दुनिया कन्नियों तां जागदे हैं परमात्मा कन्नो सुते हुए हैं, लेकिन महात्मा आके सब तो पहला इस काम नु जरूरी करदे है कि दुनिया दी तरफों सौंदे है परमात्मा दी तरफ जगाउंदे है, साडे अंदर भी यही शौक पैदा करदे है। सो इस वास्ते आप कहंदे है जागत रहे ना सूते दिसे संगत कुल तारे साथ, और वो आप तर जांदे है जेडे भी उन्हां दी संगत सुभ दे विच आउंदे है उन्हां नूं भी उतार लैंदे है। कबीर साहिब कहंदे है दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े जे तिस भावै हुक्म मनावै इस बेड़े को पार लगावै। उन्हां नूं अपने गुरु देव ते भरोसा हुंदा है, वर लिया हुंदा है कि इन्हां तों तेरी मर्जी है तूं कमाई करा, तेरी मर्जी ना करा असी तेरे भरोसे दे उत्ते इन्हां नूं तेरे नाल शब्द दे जोड़ रहे हैं तू इन्हां दी रखिया कर। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है कि ओह आप तर जांदे है अपनियां संगतां नूं तार लैंदे है जी। ओए जागत रहना सूते दिस है संगत कुल तारी साचे परिस है कल मल मैल नाही ते निर्मल ओइ रहै भगत लिव लाई हे। आप कहंदे है ओ प्योर हुंदे है पवित्र हुंदे है ओ मैलां दे विच आके लिबड़दे नहीं गे। महाराज सावन सिंह कहंदे हुंदे सीगे कि महात्मा दा जीवन जिहड़ा हुंदा है ओ बड़ा ही संघर्ष दे नाल उन्हां ने बनाया हुंदा है, मेहनत कीती हुंदी है, रातां जागियां हुंदियां हन। इस वास्ते आप कहंदे है ओ निर्मल है प्योर है पवित्र है, और साडे उत्ते भी ओ इसे गल ते जोर दिंदे है कि भरावो बचो जिन्ना भी हो सकदा है, आपदी जिंदगी नूं हमेशा साफ रखो पवित्र रखो। इस वास्ते ओ सानूं प्यार दे नाल दसदे है के आत्मा तो प्योर सी पवित्र सी एक क्यों मैली हुई। इस मन का साथ ले लिया, मन ने अगे इंद्रिया दे भोगां विशे बकारां दा साथ ले लिया है, इस वास्ते ये मैली हो गई है अपने घर नूं भुल गई है। जिस तरह बदलां दे विचों बरसात हुंदी है उदों बिलकुल पानी साफ प्योर हुंदा है, जद धरती दे नाल आके जमीन ते गिरदा है उत्थे कूड़ा क्रिकेट वगैरा हुंदा है ओदे नाल मिलके उस पानी चो भी बदबू आनी शुरू हो जाती है, और ओदे विच असी कोई अपना मुंह ठीक नहीं देख सकते गे। लेकिन जब उस पानी नूं सूरज दी तपश मिलती है और वह बदलां दे विच जाके समा जाता है, फिर उन्हूं पता लगता है कि दुनिया दे जिहड़ा गंद सीगा ये तो कोई होर चीज सीगा, मैं कोई होर चीज है। सो इस वास्ते जदों साडे भी आत्मा नूं
नाम शब्द की तपश मिलती है एकाग्र होने उस जगह जिथे के शब्द नाम की तुनकार हो रही है। कहने लगे ए जो पिंड नूं छड के ब्रह्मंड ते जांदी है इस नूं भी पता लगता है कि मैं तो एवें अपना जीवन गवा लिया बर्बाद कर लिया दुनिया के भोगां विच। मैं तो पहला पवित्र सी हुण भी पवित्र है और मेरा जिहड़ा घर है परमात्मा वह भी पवित्र है जी। कल मल मैल नाही ते निर्मल तोइ रहै भगत लिव लाई हे बूझो हर जन सत गुर बाणी एह जोबन सास है देह प्यार नाल समझाउंदे है कि तुसीं उस बाणी नूं उस शब्द नूं नाम नूं समझो। ये देह दा मौका वार वार नहीं सानूं मिलणगा इस वास्ते किसे महात्मा ने उहनूं बाणी कहा है किसी ने हर कीर्तन कहा है किसी ने अकथ कथा कहा होया है किसी ने आकाश बाणी कह के बयान किया है। कहण लगे वह इन अखां नाल देखिया नहीं जा सकता गा कन्नां नाल सुनिया नहीं जा सकता जवान उस ताकत नूं अदा ही नहीं कर सकती कि सिर्फ आप समझते हैं जवान दे जिरगे तां कि ए आ चीज है लेकिन जे गूंगे आदमी नूं आपां मिश्री दे दिए खाण नूं गुड़ दे दिए खाण नूं फिर उस तों उहदा स्वाद पुछिए वह बिल्कुल दस नहीं सकता वध तों वध कच्छा ही मजा सकता है। कबीर साहब ने कहा सी कहत कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे कह न जाई हो। ए बखाउण दी चीज नहीं ए तां आपदे खुद तजर्बे दे विच देखण दी चीज है महसूस करन दी चीज है। इस वास्ते आ प्यार दे नाल कहिंदे आ ओ जिहड़ी बाणी ओ जिहड़ी आवाज सचखंड तों उठ के साडे मत्थे दे पिछे आ रही है जिथे के किसे कौम मजहब औरत मर्द दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा गा। कहण लगे ओ सारिआं दे अंदर ही आ रही है जीवन तों लैके साडा शरीर ही उहदे आसरे ते चल रिहा है। कहण लगे कि वो मरण तो उरे किसी के अंदरों बंद नहीं होंगी गी तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं तुसी उस बाणी दे नाल जुड़ो वह बाणी तुहानू उत्थे ले जाएगी जिथों को आ रही है जिसनों गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। कहिंदे तुर दरगाह चो आउंदी है आवाज जिहड़ा भी उस आवाज दे नाल जुड़ जांदा बाणी दे उहदी जो भी जम्मण मरण की चिंता है वह सारी खत्म हो जाती है। आप तो इथों तक कहते हैं पूरे गुरु की सच्ची बाणी सुखमन अंदर सहज समाणी वो तुसी अंदर जाओ उस बाणी नूं सुन सकते हो जी। बूझो हर जन सत गुरु बाणी ए जो बन सास है दे पुराणी आज काल मर जाए प्राणी हर जप जप हृदय ते आए। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे आ सानू आपदे जीवन दा लाहा लेना चाहिदा है जो स्वास परमात्मा ने दिते है उसनू उस परमात्मा दे लेखे लाउणा चाहिदा है। अगर अच्छी सेहत है सानू उस तो फायदा उठाना चाहिदा है। इस वास्ते आप कहंदे आ पता नहीं सांस की गतिविधि कद रुक जानी है पता नहीं किहड़े वेले साडे मुतलक किसी ने जानकारी दे देनी है रिश्तेदारां नूं तारां दे देनी है टेलीफोन कर देने है कि भी फलाना आदमी चल गया है। इस वास्ते आप कहंदे आ जिहड़ा मौका तुहानू मिलिया है इस तो पूरा फायदा उठाओ। आज काल मर जाए प्राणी हर जप जप हृदय ते आई छोड़ो प्राणी कूड़ कवारा कूड़ मारे काल उछारा। गुरु नानक साहब बड़े प्यार नाल समझाते हैं कि तुसी जेड़े समान कट्ठे किते है जिन्होंने कि तुहाडे नाल नहीं जाना गा ये देह है जिस दे विच बैठ के आपा मान करदे हैं इन्हें भी साथ नहीं जाना गा। कहन लगे इन्हां दी मुहब्बत छड्ड दिओ और
परमात्मा की भगती करो, परमात्मा ना जुड़ जाओ। अगर असि झूठे पदार्थ इकट्ठे करते हैं तो वो परमात्मा सानू जगह नहीं दिंदा। इसका मतलब ये भी नहीं कि जो कुछ परमात्मा ने सानू दिता है या असि हिम्मत ना उदी कमाई करते हैं, महात्मा ये भी नहीं कहते कि तुसी उन्हों गलियां बाजारां दे विच सिट दो या उस तो कम ना लो। वो कहते उसनू तुसी उस परमात्मा की दात समझो, परमात्मा की मेहर समझो जी। छोड़ो प्राणी कूड़ कवाड़ा, कूड़ मारे काल उछारा, सागत कूड़ पचे मन हो में, दो मार्ग पचे पचाई। कहिंदे है कि वो सागत पुरुष है, मनमुख है, मन दे कहे लगन वाला है। इस वास्ते आप कहिंदे है ता सब दा मालिक परमात्मा, सब कुछ उसे दे ही है। इत्थों आपां आके लैने हैं, इत्थे छड़ जाने हैं, लेकिन जिन्ने दिन आपां देह दे विच बैठे हैं उन्ने दिन आपां वराए नाम ही कहने हैं कि परमात्मा दी है ये सारी वस्तु, बच्चे बच्चियां जो कुछ भी है। लेकिन अंदर आपां हौमै दे हंकार दे नाल भरे हैं कि ये साड़ी है। इस वास्ते आप कहिंदे कि वो उस परमात्मा दी चीज है, परमात्मा ने दित्ती है अपनी दया करके। इस वास्ते प्यार नाल समझाउंदे है कि साकत दे मन विच हौमै है, हंकार है कि ये सब कुछ मेरा है जी। साकत कूड़े पचे मन हौमे, दो मार्ग पचे पचाई। छोड़ो निंदा तात पराई, पढ़ पढ़ दज शांत नाई। हुण गुरु नानक देव जी महाराज सानू ओ चीज दसदे है जिहड़ी साडे और परमात्मा दे दरम्यान रुकावट बनी है। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सीगे कि हर इंद्री दे विचों थोड़ा बहुत लज्जत मिलदी है, लेकिन जिहड़ी निंदिया दी इंद्री है जवान दी, इहदे विचों सानू कुछ भी नहीं मिलदा गा। ना ये खट्टी है, ना ये मिठी है, ना ही इहदे विच कुछ स्वाद रख्या होया है। कहण लगे परमात्मा नूं जे तुसी मिलना चाहुंदे हो तां किसे दी निंदिया ना करो, उहनूं छड दिओ, और हीरखा करनी तुसी छड दिओ। और आप कहन लगे कि इन्हां चीजां नूं छड्ड दिओ, इही तुहाडे विच साडे विच जिहड़ी है ओह रुकावट दस रहे है जी। छोड़ो निंदां तात पराई, पढ़ पढ़ दजे शांत नाई, मिल सतसंगल नाम सलाओ, आत्म राम सिखाई। की करो गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे है सत्संग दे अंदर जाओ, उत्थे नाम दी महिमा सुनो, गाओ, उस नाम दे नाल जुड़ो, यही तुहाडे फायदे दा है जी। मिल सतसंगत नाम सलाओ, आत्म राम सखाई। छोड़ो काम क्रोध बुरियाई, हो मैं तंद छोड़ो लपटाई। हम गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे है एक ए भी वड्डी रुकावट है, काम छड़ दो, क्रोध छड़ दो, लोमो हंकार छड़ दो, और होमैन नूं छड्ड दिओ, यही तुहाडे अंदर वड्डी सारी रुकावट है जी। छोड़ो काम क्रोध बुरियाई, होमैन तंद छोड़ो लपटाई, सतगुर शरण करो तां उबरो, उतरिए पव जल पाई। हुण आप प्यार दे नाल कहंदे है कि जदों इह बुरियाई नूं सी आप दे अंदरों छड्ड दिंदे हैं,
फिर की है किसी महात्मा की संगत और सुभ दे विच जाके नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो जी। सतगुर शरण परो तबरो उतरिए पव जल पाई आगे बिमल नदी अगन बिख चीला तिथे अवर न कोई जियो अकेला पड़े पड़े अगन सागर दिलेरी पड़े दे जे मन मुख ताई। आप प्यार दे नाल कहंदे है ते देखो भाई अगे बड़ी भयानक अग दी नदी वगदी है जिसका के बहुत सारे असी शास्त्रां दे विच जिक्र सुनदे हैं पढ़दे हैं कि किस तरह वो नदी अग दी है कि जेड़ा पुन्ना पापा का बोझा चके हर जीव नू उत्थे पार होना पैंदा है। सानू पता है कि आत्मा दे नाल उत्थे कोई भी नहीं हुंदा गा। इस वास्ते आप प्यार दे नाल दसदे है गुरु नानक जद मक्के दे विच गए वो कहन लगे तुसी मुर्शिद दी तारीफ बड़ी करदे हो, मुर्शिद कित्थे कम दिंदा है क्योंकि मुसलमाना दे दोजक दी अग इस नूं कहिंदे है, दोजक दी नदी कहिंदे है। कहिंदे फिर वो किस तरह तरदा है, वो कहिंदे देख वी प्यारिया के अगे नदी बड़ी जिहड़ी तू जिक्र करदा है वी वो है भयानक है लेकिन बेपीरा बेमुर्शिदा कोई ना पुछे बात। फर्ज करो आपां अमरीका तो आना है, अगर अपना कोई भाईबंद है कोई रिश्तेदार है आपां रिश्तेदार उस नूं भैण भरा लैण वास्ते एयरपोर्ट पे जावांगे कि साडा आउंदा है, अगर कोई किसी का होवे ही ना तो थानू पता ही है कि वह बेचारा चुप करके कला तुरिया आउंदा है, उन्हूं रस्ते का नहीं पता गा, पता नहीं किस दे नाल उहदा वाह पैणा है, कित्थे जाके उन्हें रात कटनी है। इसे तरह प्यार दे नाल कहिंदे है कि जिस महात्मा ने तेरी जिम्मेवारी चकी है वह तो इत्थों पहला मिलेगा। तो आप कहिंदे पड़ पड़ अगन सागर दे लहरी जिस तरह समुद्र दे अंदर लहरां उठदियां है उहदे विच इस तरह उठ रहियां हन। और आप कहिंदे है कि जिन्हां चीजां दा असीं पड़ पड़ा के मान करदे हैं उत्थे कोई साडे काम नहीं आउंदी गी। गुरु साहिब प्यार दे नाल दसदे है कि नाम विसार चला अन मार्ग अंतकाल पछताई है, क्योंकि सारे वेद शास्त्र नाम और शब्द महात्मा दी शरण सत्संग दी महिमा गाउंदे है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल दसदे है वह सागर दी लहर जिहड़ी है वह अग दीआं लहरां जिहड़ीआं हन वह बड़ीआं भयानक है। कोई महात्मा ने सानू डराउण वास्ते ऐसा नहीं लिखिआ, बेशक कोई 10,000 साल महात्मा पहला होया उहदे वी इह जिक्र आउंदा है, जिहड़े उदों मगरों होए है उहनां दा वी ऐसा ही जिक्र आउंदा है। चाहे किसी समाज अंदर महात्मा आउंदे है तकरीबन 100 सियाणा इक्को मत मूर्खां आपो अपनी, महात्मा दी मत विच कोई फर्क नहीं हुंदा, साडी समझ विच हो सकदा है जी। पड़ पड़े अगन सागर दी लहरी पड़ द जय मन मुख ताई गुर पै मुकत दान दी पाने जिन पाया सोई बिद जाने जिन पाया तिन पूछो पाई सुख सत गुर सीव कमाई। आप प्यार ना कहंदे है कि वो परमात्मा ने मुक्ति दा जो साधन है रस्ता है वो अपने प्यारियां दे अंदर महात्मा दे अंदर रख्या है, जिसनूं गुरु नानक देव जी कहिंदे है जिहदा वो घर है जिसकी ग्रह तसदिया ताला कुंजी गुर सो पाई अनक अपाओ करे नहीं पाए बिन सतगुरु सरनाई। लेकिन सब कुछ परमात्मा ने आपके हथ विच रख्या है, किहदा वो फैसला करदा है किहनूं वो नाम रस्ते दे उत्ते लाउंदा है। इस वास्ते आप कहिंदे ये उहदी मर्जी है किहनूं ये भगत दा दान नाम दान मिलना है किहनूं नहीं मिलना गा। इस वास्ते आप कहिंदे है उन्हां दी सेवा नाम शब्द दी असीं करदे हैं
सानू लाहा ही लाहा है, सुख ही सुख है जी। जिन पाया तिन पूछो पाई, सुख सत गुर सीव कमाई। गुरु बिन उरज मरे बेकारा, जम सिर मारे करे खुआरा। माले मुकत नाही नर निंदक, जिन्ना तिकर सानू नाम नहीं मिलना गा, ऐसे महात्मा की शरण नहीं सानू मिलदी गी जिहड़े नाम दे नाल जुड़ चुके है। कहण लगो सारा जीवन साडा बेकार है, लेखे दे विच नहीं गा। इस वास्ते आप कहिंदे है कि निंदिया सब नू पैड़ी है। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सीगे कि जिहड़ी तुसीं निंदिया करदे हो उहदे जिन्ने पाप है उह सारे तुहाडे खाते विच जमा हो जाणगे, जिन्ने भी तुहाडे गुण है उह उहदे विच जाके हो जाणगे। इस वास्ते वह बड़े ही प्यार नाल कहिंदे हुंदे सीगे कि भई इस रोग तो तुसी बचो, की करो। जिन्हां ने आपदे जीवन दे विच अपनी जिंदगी का मसला हल किया तुसी उन्हां कोले जाओ, परमात्मा दी दया नाल तुसी भी अगर इस खोज दे विच लगोंगे तो जिंदगी दे विच कामयाब हो जाओगे। महात्मा ये नहीं कहिंदे गे भी असी कर सकते हैं तुसी नहीं कर सकते गे। साडे सतगुरु महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सीगे जो कम एक आदमी कर सकता है उसनु दूसरा भी कर सकता है। इस वास्ते वो आप प्यार दे नाल कहिंदे है जिन्होंने उसनु प्राप्त किया है, कहिंदे तुसी उन्होंने जाके पुछो तुसी भी कामयाब हो जाओगे जी। बांदे मुकत नाही नर निंदक, डूबे निंद पराई। बोलो साचे पहचानो अंदर, दूर नहीं देखो कर अंदर। हुण आप कहिंदे हो परमात्मा तो अथो दूर नहीं गा, तुसी थोड़ा जा अपने ख्याल नूं बाहरों हटा के अंदर शब्द की तरफ तां देखो, वो दूर नहीं गा, तुहाडे नेड़े है। बोलो साचे पहचानो अंदर, दूर नहीं देखो कर अंदर। विघ्न नहीं गुरमुख तर तारी, इउ पव जल पार लंघाई। देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। ना दी उम्र न मारिया जाए, कर देखे शब्द रजाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है वो जेड़ा नाम है ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਗੜ ਕੇ ਜਾਂ ਘੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਗਾ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਮੁਫ਼ਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ। ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਈ, ਕਰਦੇ
शब्द रजाई ओ निर्मल है नाही अंधियारा ओ आपे तखत मह सचियाराम साकत कूड़े बंद पवाये मारे जन में आई जाई भोर के सेवक सत गुरु प्यारे हुए बैसे तख्त सो शब्द विचारे तातल अंतर्गत जाने सत संगत साच वड़ाई आप तरे जने पितरा तारे संगत मुक्त सो पार उतारी नानक तिसका लाला गुला जिन गुरमुख हर लिवलाई गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि नाम की कमाई का की फायदा होता है तो आप तर जाता है आपके पितरां नूं भी तार लैंदा है कुल नूं तार लैंदा है संगत नूं तार लैंदा है कहन लगे असी ऐसे महात्मा दे लाले हैं गोले हैं उहदे दास हैं जिन्हें वह परमात्मा दे नाल प्यार पा लिया अपने ख्याल नूं उस परमात्मा दे नाल जोड़ लिया अपनी लिव उस परमात्मा नाल ला ली है आप तरे जने पितरा तारी संगत मुकत सो पार उतारी नानक तिसका लाला गुला जिन गुरमुख हर निवलाई संत मत की शिक्षा के अनुसार पाला जाता है। बचपन में वो लोग सत्संग में जाते हैं अभ्यास वगैरह करते हैं लेकिन जैसे वो अपनी जवानी अवस्था के अंदर आते हैं तो ना वो सत्संग में जाना चाहते हैं ना वो अभ्यास करना चाहते हैं। तो उस हालत के अंदर कितना को प्यार होना चाहिए और कितना को उनको अनुशासन में रखने के लिए शक्ति होनी चाहिए। हाँ भाई मैं दसदा हुंदा कि बच्चों की जिंदगी बनाना माता पिता का पहला फर्ज हुंदा है और अगर असी उन्होंने सत्संग दे फायदे पढ़ाई दे फायदे विच नशे ना वर्तन दे उन्होंने फायदे या नशियां दा नुकसान दसना दसन नाल बच्चे दा बहुत अच्छा फर्क पै जांदा है समझ जांदा है लेकिन अफसोस इस चीज दा हुंदा है कि माता पिता जो हन जद समझाते हैं वो खुद क्रोध के अंदर होंगे है और सही ढंग शिक्षा दे नहीं सकते समझा नहीं आपकी शांति भंग कर लेंगे है उन्होंने समझाते या उस वक्त उन्होंने समझाते हैं जब बच्चे किसी ना किसी बुरी आदत दे विच फस जाते हैं। मैं थानू एक कहानी सुनाऊंगा जो आम महाराज सावन सिंह सुनाते होंगे सी मैं भी कई दफा पहले सुनाई है। वो कहते होंगे सी जिन्होंने अपनी औलाद नेक बनाना है बच्चों नेक बनाना है वो माता पिता खुद नेक बन जान तद ही बच्चों के उत्ते अच्छा असर पैंदा है। एक बादशाह की लड़की का किसी बादशाह के लड़के के नाल प्यार पिया मुहब्बत हुई वो तो शादी करना चाहते सन लेकिन माता पिता बीच में आए उन्होंने उन्होंने शादी ना होन दिती। लड़की कहन लगी कि खैर कोई बात नहीं आपा रात नूं उठ चलांगे किसी होर पिंड चले जावांगे
लड़की ने आपदे घरों सांडनी ऊंटनी लई और उस लड़के दे घर कोले चली गई, ऊंटनी बिठाई, दोनों जाने बैठ के जान लगे। अगे एक नदी पै रही सी, तो लड़की दूरों कहन लगी, देखी इस नदी दे विच ये बैठ ना जाए, दी मुहारी नू खिच के रख। बड़ी जल्दी देने कहन लगे कि इहदी मां नू भी आदत सी पानी दे विच बैठण दी। तो लड़के दे उत्ते बड़ा अच्छा असर होया इन्हां गल्लां दा। वो सोचदा है कि जद पशु पंछियां ते भी ये असर है कि जैसे मापे वैसे बच्चे, और ये अज मेरे ना निकल के जा रही है। जो इस दे पेटों लड़का होवे लड़की होवे वो भी इस तरह का बदमाश होएगा, किसी दे साथ करों बगैर दसे चला जाएगा। लोग मेरा ना बदनाम करनगे कि फलाने दा लड़का भाई इस तरह का बदमाश है। बड़ा सोच सोच के उन्हों कह लगे कि मैं कोई खास चीज घर के अंदर भुल आया है, रात काफी बड़ी है, अगर आप दोनों जाने चल के वो चीज नू ले आईए तो आप फिर भी वापस जल्दी आ सकते हैं। लड़के नू नहीं पता सी कि दा मन बदल चुका है। जब वह उस महल के पास आए, उन्हें नमस्कार करके कह लगे, देख अच्छी गल है, आप पाप तो बच गए हैं। अगर अपने बच्चा पैदा किया हुंदा, अपने वर्गा ही हुंदा, बदमाश हुंदा, लोग निंदा कर दे, तू अपने कर मैं अपने कर। सो कहण दा भाव इतना ही है कि जिन्होंने अपने बच्चों नेक बनाना है, अच्छे बनाना है, उन्होंने माता पिता नू खुद ही अच्छे बन जाना चाहिए है। बच्चों के उत्ते माता पिता का वध तो वध असर हुंदा है। महाराज सावण सिंह आपके पड़ोसी की गल दसदे हुंदे सीगे कि उन्हों का बच्चा अगर किसी का कोई नुकसान करके घरे आ जाए, तो कोई किसी की छह चुक लिया, तो माता पिता हमेशा ही कहें कि बड़ा बच्चा अच्छा है। तो कह लगे हूँ उन्होंने माता पिता को की किया जाए। तुसी देख लो बच्चा जब बुरिया आदतों के फस जाता है, आपकी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। मैं थानू ये सच्चाई ना कहना है कि बच्चे के आखिर दिल के आंदा ही है कि मेरे माता पिता ने मेरी जिंदगी नहीं बनाई। मैं कई लड़कियां कई लड़के इंटरव्यू के मैं दसते हैं कि माता पिता का किस तरह साढ़े उत्ते बुरा असर होया, या अच्छे माता पिता है किसी दे तो दसते कि सानू माता पिता का कितना चंगा असर होया। जो बच्चे घर तो भटक जाते हैं उन्होंने जेलां दीआं कोठड़ियां देखनिया पैंदियां, काल कोठड़ियां दे विच रहना पैंदा है। तुसी देख लो उन्हां दी जिंदगी तबाह हो जाती है। माता पिता की बड़ी भारी जिम्मेवारी हुंदी है बच्चों की जिंदगी बनाउण वास्ते। उन्हां दे जो बुरे कर्म बनते हैं, माता पिता अपनी जिम्मेवारी तो दूर नहीं जा सकते गे, उन्हां दा वी उहदे विच हिस्सा हुंदा है। कबीर साहिब कहिंदे है, वैष्णो की कुतिया भली साकत की बुरी माए, ओ सुना हर नाम जस ओ पाप वसहन जाए। मेरा जाति तजर्बा है जिन्हां दे माता पिता दा क्रेडिट अच्छा है, घर दे विच भजन व्यास करदे हन, सत्संग दे अंदर जांदे हन, उन्हां दे बच्चियां नू उन्हां नू कहण दी जरूरत नहीं हुंदी, क्योंकि बच्चे आम तौर दे उत्ते नकल कर लैंदे है। जो माता पिता करदे है उही बच्चे करदे है। अक्तूबर च मैं सत्संग सत एलसी दे के आया, जिस तरह उत्थे प्रेमियां ने छाया मान लाए सन, स्पीकर लाए सन, और जिस तरह इत्थे मेरा मकान गुफा बनाई है भजन व्यास वास्ते, तो मेरे आउन तो बाद उत्थे दे प्रेमी दसदे सन कि बच्चे तकरीबन एक महीना डेढ़ महीना वो नकल करते रहे। उन्हां कोल छाया मान तो किहड़े सन, छोटी छोटिया कोई लीर जीआं लै लैंदे सन, एडे कपड़ा उहदा छाया मान बना लैंदे सन। संगत बन जांदी सी, एक बाबा बन जांदा सीगा। जिवें मैं अंदर अभ्यास किया है, उन्होंने एक छोटा जिहा मकान भी बाबा अंदर भजन करन वास्ते गया है,
मतलब है जो आप सत्संग दे विच करदे आ छोटे छोटे बच्चिया ने सारी नकल दो महीने उस पिंड दे विच करदे रहे है। पप्पू का भाणजा है सदेश, वह पप्पू के घर विच पढ़दा हुंदा सीगा। पप्पू की मदर ने कहा कि जब पढ़न जाइए बाबे की फोटो नूं या बाबा इत्थे आया होवे तो उसनूं जरूर नमस्कार करके जाइए, इससे पढ़ाई अच्छी बनती है। उसने जिदे पढ़न जाना हुंदा उन्हें जरूर मैनु मत्था टेक के जाना, और जिदे नहीं जाना हुंदा सीगा वो नहीं मत्था टेकदा सी, भावें मैं उहदे कोले खड़ा हुंदा सीगा। तो हुण जे उसनू रोज भी कहा जांदा बच्चे नूं तां उह रोज ही मत्था टेक सकदा सीगा। सो प्यारे हो, माता पिता नूं बच्चियां दी जरूर देखभाल करदे रहना चाहीदा है। तो पोलियां आत्मा इस मन माया दे जाल विच आईयां हुंदियां हन, उहनां नूं भी उन्नती करन दा मौका परमात्मा ने दिता हुंदा है। अगे माता पिता अच्छे हुंदे है तां उहनां दी दुनियावी जिंदगी भी बना सकते हैं और परमार्थी भी बना सकते हैं। बच्चों के नाल सवरना पेश आना चाहिए है। संत अपने आप नू 40 दिन के बच्चे जैसा ही परमात्मा गुरु दे अगे अपने आप नू हमेशा रखते हैं। गुरु नानक कहता है जे अत कोप करे कर थाया तो भी चीत न राख समाया। बच्चा बेशक कितनिया भी गलतियां करता है मां फिर भी आपकी दया का हथ ओदी तरफ वधाउंदी है। हाँ बारक तेरा काहे न खंडस अब गुण मेरा। ऐसा लगता है कि बचपन से ही मेरा जो पालन पोषण हुआ है उसके अंदर मुझे दूसरों को परखने का और दूसरों की तरफ आलोचनात्मक दृष्टि से देखने की शिक्षा मुझे दी गई है। ये इस हद तक हो गई है कि अब मेरी ये आदत बन गई है कि मैं अपने आप ही जब भी लोगों की तरफ देखती हूँ या लोगों से मिलती हूँ तो उनको परखती हूँ या उनके लिए आलोचनात्मक दृष्टि से मैं उनकी तरफ देखती हूँ। अब ये इतनी ज्यादा हद तक बढ़ गई है कि मैं लोगों के जो निजी बर्ताव है उनकी तरफ भी मेरा ध्यान चले जाता है। हालांकि मैं ये करना नहीं चाहती हूँ लेकिन ये अपने आप ही मेरे अंदर आदत बन गई है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस आदत को खत्म करने के लिए क्या कोई राज है या कोई ऐसा अभ्यास है जिससे कि मैं इस आदत को छोड़ सकूं। पहली तो यह गल है कि आदत नूं छड़ना बड़ा ही मुश्किल होंदा है, इसका तरीका अभ्यास ही है। अगर असी अभ्यास करिए तो यह आदत छुट सकती है। जब सानू मन इधर प्रेरदा है उदो सिमरन करो, कुछ दिन तुहानू संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि मन आदत के मुताबिक तुहानू उधर खिंचेगा। तुसी उहनू उस वेले सिमरन दे विच ला दिओ, अपने आप ही मन जिहड़ा है ये तुहानू इस आदत तो उपर उठा लेगा। संत सानू बड़े प्यार नाल सत्संग दे विच समझाउंदे है। सत्संग इसे मर्ज की दुआ है। सत्संग सानू सोच समझ के बैठना चाहिए, दिल दिमाग नूं खाली करके बैठना चाहिए, जो महात्मा बोलते हैं उहदे उत्ते अमल करना चाहिए है। संत सानू हमेशा सत्संग दे विच दसदे है कि तुसी कोशिश करो तनो मनो दूसरे दे गुण प्राप्त करन दी, किसी दे ऐब करनी ना देखो। एक मुसलमान फकीर सीगा, तो बाजार दे अंदर गया, उत्थे मिठाई दी दुकान सी, खाने की आदत सी, मन ने कहा जी जलेबियां खानिया है। उन्हें सोचा अज इन्हें जलेबियां मंगिया है, कल नूं औरत मंगेगा, फिर बच्चे मंगेगा, आखिर मैं इसे जोगरा ही हो जाऊंगा। वो कह लग्या भी जलेबियां वास्ते तो चल पैसों की जरूरत है, बगैर पैसे तो देंदे नहीं गए। उन्हें बाजार तो काफ़ी दूर ले गया, मन बथेरा आके इतों चुगला लकड़ा, तो कहना नहीं दूरों चंगियां थे उन्होंने। आखिर जे उन्हें मन चकनिया सी तो डेढ़ मन का गठा बना लिया, भरा बना लिया, मन बथेरा के ज्यादा पार है। वह कह लगे ज्यादा आ जाएगी। आखिर बाजार दे विच आया, लकड़ियां बेच के जलेबियां लिया, कह लगे चल तेन बाहर खवाऊंगा, खादिया, मन ने सिर फेर दिता। वो कहिंदा ने सारियां खाणियां पैणगियां, जदों ज्यादा खादा कै होगी, मन नूं कहिंदा हुण कै नूं भी खा,
कह खादी फिर कह होगी। जिहड़ियां बचियां सी जलेबियां उत्थे राही जांदे सी उन्हां नूं कहण लग्या भई आ तुसीं लै जाओ। मन नूं कहिंदा क्यों भई फिर कदे करेंगा, तेनूं इही सजा है, साल भर गर्म दा तेनूं पानी पिऊंगा। और जिथे अगे घंटा अभ्यास दे विच लाउंदा सी हुण तेनूं 2 घंटे बिठाऊंगा। काल ने आत्मा नूं कैद कीता होया है, जबरदस्त हथियार मन है, इस दे उदाले कीता हुंदा है। मन दे बड़े चोगे है, आत्मा काल दी नगरी दुश्मन दी नगरी दे विच बेवस है। जिस तरह लोग पंछियां नूं पकड़न वास्ते कुछ चोगा खिलार दिंदे है, जाल लगा दिंदे है, तो पंछी चोगा चुगण दा मारिया उस जाल दे विच आके फस जांदा है। इही हालत साडे मन दी है, इहदियां आदतां गिणियां ते गिणियां नहीं जांदियां। जिस भी आदत नाल कोई फसदा है, जिस तरीके नाल कोई फसदा है, उही तरीका अख्तियार कर लैंदा है। आत्मा चुप करके खामोश होके बेवस होके ये तबाही नूं देख रही हुंदी है। सत्संगी नूं हमेशा ही अपने मन की चौकीदारी करते रहना चाहिए है, सिमरन दे विच हमेशा ही लगे रहना चाहिए है। मैंने ये पढ़ा है कि अगर हम रोएं आंसू गिराएं तो अच्छा है, लेकिन अगर हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं जहां पे हम अंदर से तो रोएं लेकिन आंसुओं को आंखों के अंदर ही रहने दें और बाहर ना गिराएं, तो वो जो आंसू हैं वो रूहानियत के मोती बन जाते हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ बताएं? हाँ भाई, जब असि उस अवस्था दे विच पहुंच जाने हैं जिथों दा के ये जिक्र है, फिर साडे अंदर सबर आ जाता है, संतोख आ जाता है। ना तो असी बाहर किसी नूं रो के दिखाने हैं, ना हस के दिखाने हैं। भीखन शाह ने इस अवस्था नूं बड़े प्यार नाल कहा है, कहे भीखन दो नैन संतोखे यह देखा तै सोई। वो प्रेमी जिथे देखता है, अंदर निगाह मारदा है, वो शब्द गुरु उसे शक्ल अंदर धारी बैठा है, बाहर देखता है तो पंजा तत्तां दा पुतला है। बाहरों हदायत करदा अंदर चल, और अंदर वो गले नाल आउंदा है। मनमोहनी मूरत इस तरह आपकी तरफ खिंच लैंदी है कि ये खुशी च रोंदा है तो रो नहीं सकदा गा, अगर हसदा है तो हस नहीं सकदा गा। वो बड़ी एक अजीब अवस्था हुंदी है, लेकिन जदों असी ग्रंथ पुस्तकां लिखते हैं उदों बयान करन दा ढंग जैसा आपने कहा ऐसा ही हुंदा है, लेकिन जब मिलाप हुंदा है उसका चीज रंग रूप बदल जाता है। जिस तरह आप मकान बनाइए उदा नक्शा बना लेने हैं, नक्शे नूं देख के तां कारीगर लोग उसका मकान बना देंदे है, लेकिन जे आप नक्शे दे विच मिस्त्री भाल गए या सीमेंट चूना गारा वगैरह भालिए वो नहीं होंदियां गईयां। इस तरह बयान दे विच कोई होर चीज है और अंदर करन दे विच कोई होर चीज है। ठंडे होंके या ठंडे आहां भरन दा कभी मजा खातर असीं रो रहे हैं वो कोले होवे, ये उस वक्त की अवस्था है कि जद गुरु प्रगट हो जाता है वो अखां दे पानी नूं हंझुआं नूं मोती समझदा है। ऐसे प्रेमी जद रोंदे है वो बणा दे पखेरियां नूं भी रवा दिंदे है। कोले बैठे लोकां नूं तां रोना ही हुंदा है क्योंकि उन्हां दीआं बड़ियां दर्द भरियां आहां हुंदियां है। ऐसियां आहां नूं सुण के जिहड़े जरहीले नाग हुंदे है वो भी खुड्डां दे विच वड़ जांदे है क्योंकि बड़ी दर्द भरी आह हुंदी है। वो बड़े भाग वाले जीव हुंदे है, उत्तम पुरश हुंदे है जिन्हां नूं इह जिहा रोणा आउंदा है। महाराज सावण सिंह जद बाबा जैमल सिंह दे पिंड गए उन्हां दे संसार छड्डण तों मगरों बड़े रोए बड़े रोए। परम पिता कृपाल ने मैनूं खुद दस्सिया सी इत्थों तक कि संगत वी मूहरे रोण लग पई।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ। ਤੁਹਾਰਾ ਸਾਵਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਦੇਖੋ ਸੱਜਣੋ, ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭਜਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਪਤਾ ਲਿਖੋ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੋਲੋ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਢਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਸਾਵਣ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਪੈਣੀਆਂ, ਰਮਾਲ ਨਾ ਪੂੰਝਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਸੱਚਖੰਡ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਅਜੈਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਰੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੋਲ ਤਾਂ ਚੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੂਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਏ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਅਵਾਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਮਹੱਲ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਰਾਣੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਨੰਗੇ ਪਏ ਸਨ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਾਲਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਸ਼ਾਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਚਿਤਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੁਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤਿਲਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਰਾਣੀ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਰੋਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ, ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਗੀ, ਮੈਂ ਰੋਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਸ਼ਾਲਾ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ।
मेरे पर्दे कौन कजेगा जब तू चलिया जाना है। तो ऐसिया आत्मा जो अंदर पहुंचिया होंदिया हन वो इस वास्ते रोंदे है तड़फदे है कि जो सुख गुरु दे देह विच बैठा हुंदा है वो बाद में नहीं हुंदा गा। उन्हां नूं पता हुंदा है कि बेशक सचखंड दे विच बैठा है रोज ही पढ़दे कजदा है लेकिन जो पाप ऐब शरीरक रूप दर्शन करन तो लेंदे है या दिल खोल के शरीर दे अगे आपदा उभार कढ लेना है वो बाद में नहीं हुंदा गा। इस वास्ते ऐसिया आत्मा रोंदियां हन परमात्मा ऐसे हंजुआ नूं शहीदां दे खून दे तुल बराबर समझदा है।